नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो आरपीएफ की वैकेंसी निकाली जाती है उस वैकेंसी के अपडेट के बारे में पूरा हम देखेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आरपीएफ की आधिकारिक जो है बैठकें हैं वो अभी बैठक चल रही है, उसके अंदर कई प्रकार की अपडेट है वो जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के आरपीएफ अधिकारियों द्वारा। ये अपडेट है ये जारी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, रेलवे की जो आरपीएफ वैकेंसी है उसकी न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में इन्होंने कई प्रकार की अपडेट है वो जारी की है। आपके नोटिफिकेशन है, उसका नोटिफिकेशन डाला गया है। तो यहाँ से 2023 में लगभग आपके आरपीएफ की वैकेंसी आने के फुल चांस बन रहे हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी की जाए। अभी वर्तमान में यही आधिकारिक बैठक है वो चल रही है आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके एलपीओ टेक्नीशियन व आरपीएफ की वैकेंसी है वो जल्द ही आपके 2023 के एंड तक है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में चल रही बैठकों के अनुसार देखा गया कि आरपीएफ डिपार्टमेंट है उसके अंदर कई वैकेंसी है वो वैकेंट पड़ी है, जबकि रेलवे के अन्य कोई भी डिपार्टमेंट होता है उनको डिपार्टमेंटली वैकेंसी जीडीसी वैकेंसी जैसे वैकेंसियों से क्या कर लिया जाती है, सीटें भर ली जाती है, जबकि आरपीएफ के द्वारा ऐसा कोई रूल या नियम नहीं है। तो आपको मैं बता दूं इसके बारे में ये अपडेट है, ये अभी जो तैयारी कर रहे हैं बेरोजगार युवा उनको लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जल्द से जल्द ही आपका क्या हो जाएगा, आरपीएफ का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इसके निर्देशांक 43 में क्या किया गया, बदलाव किया गया, इसकी प्रोसेसिंग में चेंजेस किया गया है कि किस प्रकार पहले जो वैकेंसी होती थी उसमें अलग चेंज था और अब वर्तमान में होने वाली वैकेंसी में अलग प्रोसेस रहेगा। पहले क्या प्रोसेस होता था, एक एजेंसी को कॉन्टैक्ट दिया जाता था, उस एजेंसी के द्वारा ही एग्जाम होना या आपके फिजिकल होना या आपके डीवी और मेडिकल एक साथ ही करवाए जाते थे। लेकिन अब आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आरपीएफ अधिकारियों द्वारा एक बैठक की गई और इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि आपके जो भी आरपीएफ की वैकेंसी होगी उसमें आपके एग्ज़ाम है वो अलग टेंडर दिया जाएगा, अलग एजेंसी करवाई जाएगी, जबकि इसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके फिजिकल टेस्ट है वो आपके आरपीएफ खुद डिपार्टमेंट के द्वारा करवाए जाएंगे। तो उससे संबंधित ये बड़ी अपडेट है। तो आप देखते रहिए, इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक बने रहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन की डेट आप यहाँ से देख सकते हो, न्यू दिल्ली डेटेड आपके 2023। तो अब हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या बोला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43, मतलब आपके निर्देश 43 में संशोधन के संबंध में समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया। तो देखिए इस समिति में गठन के अंदर क्या क्या बोला गया। तो अप्रोच अबव इट इज़ द अप्राइज डेट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, मतलब आपके सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में होता है एसआई एंड कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव इज बी इंटीटेटेड द आपके लेटेस्ट रिक्वायरमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018, मतलब ये बोला गया 2018 के अंदर जो आपके आरपीएफ की वैकेंसी आई थी उसके डायरेक्टिव 43 बाई आरपीएफ इटसेल्फ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कि उपरोक्त के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि सब इंस्पेक्टर कार्यकारी और कॉन्स्टेबल कार्यकारी के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। आखिर भर्ती 2018 में आरपीएफ निर्देश 43 के तहत आरपीएफ द्वारा ही आयोजित की गई थी। ये क्या बोला जाता है, जो इससे पहले वैकेंसी थी 2018 में वो निर्देश 43 के अनुसार ही क्या किया गई थी, आयोजित की गई थी, जबकि अब इसमें बदलाव किया गया है। तो इसका ऊपर का पॉइंट आप बहुत देख सकते हो, आर उपरोक्त के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। इसका मतलब इसका नोटिफिकेशन है वो आपके जल्द से जल्द ही जारी होने वाला है। तो अभी से आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग इसमें वैकेंसी रहेगी 10,000 के लगभग यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, जिसमें 9,000 के आसपास आपके कॉन्स्टेबल की पोस्ट रहेगी और 1,000 के लगभग आपके एसआई की पोस्ट रहने वाली है। और आपको बता दूं, 9,000 पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो आपके ग्रेजुएशन है, और 1,000 पोस्ट के लिए वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और 9,000 कॉन्स्टेबल के लिए आपकी 10th पास योग्यता रखी जाती है।
आगे पॉइंट आपको मैं बता दूं क्या बोला जा रहा है कि हालांकि मौजूदा परिदृश्य में आरआरबी को भर्ती के पहले चरण को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा रही, अभी बैठक में क्या बोला जा रहा है कि आपके जो आरआरबी है, आरआरबी इज बिगिंग, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी को जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम करवाने के, मतलब भर्ती का पहला चरण होता है CBT 1, तो को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें आवेदन आमंत्रित करना, स्क्रीनिंग एजेंसी को नियुक्त करना, CBT आयोजित कराना आदि शामिल है, और दूसरा चरण RPF द्वारा खुद के द्वारा करवाया जाएगा। CBT ETC एंड सेकंड फेज वुड बी कंप्लीटेड बाय RPF इटसेल्फ, मतलब वैकेंसी के जो एग्ज़ाम है वो तो किसके द्वारा करवाए जाएंगे, एजेंसी के द्वारा ही करवाए जाएंगे, RRB द्वारा टेंडर दिया जाएगा। जबकि आपको मैं बता दूं बाकी जो प्रोसेसिंग है आपका चरण है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा, वो RPF खुद के द्वारा यहाँ पे करवाया जाने वाला है। आगे हम देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है। इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड्स अप्रोप्रियट मॉडिफिकेशन बिफोर द इंटीटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43 DG ऑफ आपके RPF एज कंस्टिट्यू ए कंप्लीटेड आपके कंसाइनिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफ ऑफिसर, मतलब ये बात है वो ऑफिसरों के द्वारा ही बोली गई। इस संबंध में भर्ती शुरू होने से पहले निर्देश आपके 43 में उचित संशोधन की आवश्यकता है। निर्देश 43 में संशोधन के संबंध में DG RPF ने निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति है वो क्या की गई है, गठित की गई है, और उनमें बता दूँ आपके समिति में कौन कौन सी पोस्ट है। PCSC/ER चेयरमैन है, और आपको PCSSC और RPSF है, और आपके DIG SINA NR, ये इन अधिकारियों की क्या की गई है समिति है वो गठित की गई है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इज टू गो वे कंडीशन ऑफ RRB वेयर सेकेंड फेज इन्वॉल्विंग PT PMT मेडिकल एंड DV इज टू बी डन बाई RPF, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि भर्ती का पहला चरण है वो RRB द्वारा ही आयोजित करवाया जाएगा, जबकि PET मतलब आपको क्या करना है, जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो आपके किसके द्वारा है, RPF के द्वारा, और आपके PET और आपको मैं बता दूं PMT मेडिकल और DV से जुड़ा जो दूसरा चरण है वो RPF द्वारा खुद के द्वारा करवाया जाना है। इसीलिए समिति इसे आवश्यक संशोधन करने के लिए संदर्भ की अवधि रूप में है तो देखना चाहती है समिति से अनुरोध। चार नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है कि समिति से अनुरोध है कि कृपया जल्दी से जल्दी कार्य पूरा कर प्रस्तुत करें 16/10/2023 तक संशोधित मसौदा, मतलब ये 16/10/2023 तक, देखो 10 तारीख को इन्होंने ये कमेटी गठित की और उसमें 16/10/2023 को ही क्या मांग लिया, जवाब मांग लिया इस कमेटी के द्वारा। तो ये कमेटी है इसके द्वारा आज जो परसों है वो कल आपके क्या थी इसका जो जवाब है वो भेज दिया गया। तो मैं आपको ये रेलवे की जो भी पल पल की न्यू रिक्वायरमेंट से संबंधित अपडेट है पल पल की वो आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि रेलवे की वैकेंसियों से संबंधित जो अपडेट है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, जिससे कि आपको हम पल पल की अपडेट देने में सक्षम हो सके और आपको हमारा भी जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। तो मैं आपको बता दूं कॉफ़ी टू इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज़, ये मतलब इनको कॉफ़ी भेजना है नेसेसरी, इस पद पर आपको क्या किया गया है कॉफ़ी भेजी गई है। मैं आपको बता देता हूँ RPF के अंदर आपके योग्यता मैंने बता दी और एज लिमिट है वो आपके 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रखी जाती है, और SI के लिए 20 से 25 वर्ष, और आवश्यकता अनुसार OBC और SC ST के अनुसार छूट दी जाती है। OBC में 3 वर्ष की और SC ST में 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाती है। अगले हम बात करें कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें आपके 10th पास है, और इसका चरण मैंने बता ही दिया है कि CBT 1 होता है, वो CBT 1 एग्ज़ाम होता है, और दूसरे नंबर पर स्टेज होता है वो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट करवाया जाता है, और 3 नंबर पे आपके क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 4 नंबर पे आपके मेडिकल, और बाद में फाइनल कट ऑफ के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। और आपके मैं बता देना चाहता हूँ
कि इसमें जो आपका सिलेबस है, नॉर्मली बता देता हूँ, सिलेबस में आपके जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं, अर्थमेटिक मैथ के आपके 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन और टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं 120 क्वेश्चन और टाइम रहता है 90 मिनट का। तो ये आपका होता है आरपीएफ का। और आपके जो भी इसमें पीईटी से संबंधित है, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, उसके बारे में अपडेट है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं दे दूंगा। तो जल्द ही इसका रिक्वायरमेंट आने वाला है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें।